उधर कंगना रनौत लड्डू बंटवा रही, नौनीत राणा हनुमान चालीसा बजा रही। इधर उद्धव के घर में उपवास है, पार्टी गई, अब मातोश्री भी हाथ से चला जाएगा। चार बार मोदी ने फोन किया, पांच बार अमित शाह जाकर मिले। अगर उद्धव संजय राउत की जगह मोदी की बात मान जाते तो बच जाते। अगर एक फिल्म बीच में छोड़कर ना जाते, एकनाथ शिंदे के गुरु का मान रख लेते तो उद्धव की पार्टी में इतनी बड़ी बगावत रुक जाती। करीब चार साल पहले कंगना ने लिखती थी उद्धव ठाकरे और संजय राउत की किस्मत। कंगना ने लिखा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। करीब एक साल पहले लिखती नवनीत राणा ने संजय राउत और उद्धव की किस्मत। नवनीत राणा ने कहा था, एक दिन मैं हनुमान चालीसा बजाऊंगी और उस दिन तुम देख कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। जिस देश में नारी को देवी का अवतार माना जाता है, उसी देश के एक बड़े स्टेट महाराष्ट्र में दो दो महिलाओं के दिल से निकली आ ने सचमुच उद्धव ठाकरे और संजय राउत को सड़क पर ला दी। तुझसे पहले जो तख्त नशी था उसे भी खुदा होने का ऐसा ही यकीन था, लेकिन इतनी छोटी सी बात उद्धव समझ नहीं पाए। जिस खून पसीने से सींच कर बाला साहब ने बेटे की तरह पार्टी संभाली, वो पार्टी, वो निशान, वो पहचान, जिस निशान पर था गुमान, वो सब कुछ उद्धव की शहनशाही ने डुबो दिया। बहुत पहले मिरिंडा के एड में कहा जाता था, जोर का झटका धीरे से, ऐसा ही झटका उद्धव ठाकरे को लगा है। एक और कहावत कही जाती है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के कमाए लोग, बाला साहब की कमाई पार्टी, सब कुछ गवा दिया है। चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम यानी शिवसेना और पार्टी का चुनाव निशान यानी धनुष बाण शिंदे गुट को सौंप दिया है। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि शिवसेना का संविधान अलोकतांत्रिक है। इसका मतलब ये हुआ कि उद्धव गुट ने बिना चुनाव करवाए ही संगठन बना लिया और पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी, जो लोकतंत्र के खिलाफ था। चुनाव आयोग ने पाया कि 2018 में शिवसेना के संविधान में जो संशोधन हुआ उसे जानबूझकर चुनाव आयोग से छिपाया गया। महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर की तस्वीर को देखेंगे तो हर एक तस्वीर क्लियर हो जाएगी, फैसला क्यों शिंदे गुट के फेवर में आया है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 67 में से 40 विधायकों का समर्थन शिंदे गुट के साथ है। संसद में 13 सांसद शिंदे गुट और 7 सांसद उद्धव ठाकरे गुट के साथ है। नियम कहता है कि आधे से ज्यादा सांसद और विधायक जिसके साथ है वही पार्टी के सिंबल का असली हकदार है। इसका एक एग्जाम्पल झारखंड है, जहां जेवीएम के आधे से ज्यादा विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये साल 2014 की बात है। इस हिसाब से शिंदे गुट भारी था, इसलिए चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को असली शिवसेना मान लिया। अब यहाँ से उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल फ्यूचर पर सवाल उठने लगे हैं। उनका क्या होगा, उनके बेटे का क्या होगा। महाविकास अघाड़ी सरकार में उन्हें कुर्सी इसलिए मिली थी क्योंकि वो पावरफुल थे, लेकिन अब तो बीजेपी ने उस हालत के लायक भी नहीं छोड़ा। उद्धव ठाकरे की तानाशाही किस लेवल पर पहुंच चुकी थी, इसका कुछ मजमून देखिए। मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस और एनसीपी के विधायक उद्धव से आसानी से मिल लेते थे। शिवसेना के विधायकों को या तो वक्त नहीं दिया जाता था या फिर डांट कर भगा दिया जाता था। उद्धव ठाकरे कई कई हफ्तों तक सीएम ऑफिस नहीं आते थे, मातोश्री को दूसरा सीएम दफ्तर बना दिया था। अपने शिवसेना के मंत्रियों से भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे उद्धव ठाकरे और संजय राउत। उद्धव ठाकरे के दौर में सांसदों, विधायकों, पत्रकारों पर बेहिसाब फर्जी मामले दर्ज करवाए गए, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जैसे बाला साहब ने किसी से पार्टी छीन ली, ठीक आज बाला साहब की बनाई पार्टी को उनके बेटे से कोई तीसरा छीन कर ले गया। ठीक 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो रही होगी, तब उद्धव के पास अपने ही सांसदों को टिकट बांटने का अधिकार नहीं होगा। उनके अपने लोग अब मातोश्री के नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के घर के चक्कर लगाएंगे ताकि टिकट मिल जाए। जी हजूरी एकनाथ शिंदे की करेंगे, उद्धव ठाकरे की नहीं। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिनके राज में हनुमान चालीसा पढ़ने या बजाने पर जेल भेज दिया जाता था। अब जेल भिजवाने वालों का बजरंग बली ने हिसाब कर दिया है। अब आगे उद्धव क्या करेंगे, आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।